लॉस्ट स्प्रिंग नामक अपना जो लेसन फोर्थ है उसका पार्ट भी फोर्थ है। और तीसरे पार्ट में आपने पढ़ा था कि किस तरह से फिरोजाबाद में जो लड़के लड़कियां हैं वहाँ के जो लोग हैं वो अंधेरे में भी काम करने के अभ्यस्त हो गए हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव होता है वो जल्दी अपनी नजरों से अपनी आईसाइट से वंचित हो जाते हैं। अब पार्ट फोर्थ में तो देखिए, लेखिका वहां कई लोगों से मिली थी, कई परिवारों से मिली थी। सबसे पहले मुकेश के परिवार से मिली थी, अब एक सविता नाम की लड़की है उसके परिवार में जाकर वो मिलती है। सविता ए यंग गर्ल, सविता एक युवा लड़की इन ए डैपिंग ड्रेस, जो भद्दी सी गुलाबी पोशाक पहने हुए थी, उससे मिली लेखिका। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, जो एक बुजुर्ग महिला की बगल में बैठी थी, सोल्डरिंग पीसे जो ग्लास और कांच के टुकड़ों को जोड़ रही थी। सोल्डरिंग मानी जोड़ना, कांच के टुकड़ों को जोड़कर गोलाकार बैंगल का आकार दे रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द स्टम्प्स ऑफ ए मशीन, उसके हाथ जैसे कोई मशीन के चिमटे चलते हों उतनी तेजी से चल रहे थे, यानी कि वो बहुत अभ्यस्त हो गई थी ये कार्य करने की। आई वॉन्डर, लेखिका कहती है कि मैं सोचती हूँ, मैं विचार करती हूँ कि इफ सी नोज कि काश वो जानती होती द सेंटिटी ऑफ द बेंगल्स, इन चूड़ी चूड़ियों की पवित्रता को जानती होती। सेंटिटी मानी पवित्रता। सी हेल्प्स मैक, जिन चूड़ियों को बनाने में वो मदद करती है उनकी पवित्रता का शायद उसे पता ही नहीं। सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, लेखिका कहती है कि ये चूड़ियाँ, ये जो चूड़ी होती है, ये जो चूड़ियाँ होती हैं ये भारतीय महिला की सुहाग की प्रतीक होती हैं। तो सिंबलाइजेज माने प्रतीक होती है, इंडियन वुमेन्स सुहाग माने भारतीय महिला की सुहाग की, अर्थात ऑस्पिशियस नेस इन मैरिज। ये चूड़ियाँ शादी में शुभ मानी जाती है, मांगलिक मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। इट विल डॉन ऑन हर, इसका पता उसे चलेगा। DAWN, डॉन का शाब्दिक अर्थ होता है उषा काल, सुबह का समय, पता लगना अर्थ लगेगा यहाँ। हर सडनली अचानक ही पता लगेगा उसे। वन डे, एक दिन, व्हेन हर हेड इज ड्राप्ड विथ रेड वेल, जब उसके सिर पर लाल कोई ओढ़नी, शादी में जो पहन ओढ़ी जाती है वो ओढ़ा दी जाएगी और उसका घूंघट उसके चेहरे पे होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना, और उसके हाथ में लाल मेहंदी लगा दी जाएगी, हिना मानी मेहंदी। तब उसे पता चलेगा इन चूड़ियों की पवित्रता का। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाई पर गोलाकार चूड़ियां होंगी, तब उस उन चूड़ियों की पवित्रता का पता उसे लगेगा। सी विल देन बी कम ए ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वोमैन, उस वृद्ध महिला की तरह, बिसाइड हर, जो उसके बगल में बैठी थी, हु बिकेम वन, वो भी एक दुल्हन बनी थी। मैनी इयर्स अगो, बहुत सालों पहले, कई वर्षों पहले वो भी दुल्हन बनी थी। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई में चूड़ियां तो हैं, बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में प्रकाश नहीं है, यानी कि उसकी नजर खत्म हो गई, वो अंधी हो गई। तो ये वापिस उसी बेंगल्स मेकिंग जो उनका कार्य है उसकी तरफ इशारा करती है लेखिका, कि यानी कि इतना खतरनाक कार्य किया, वो दुल्हन बनी थी, चूड़ियां आज भी हैं हाथों में लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है, देख नहीं सकती वो। उस महिला का कथनिया दिया गया है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वो कहती है कि कभी भरपेट भोजन नहीं किया। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, आनंद से रहित आवाज में वो महिला लेखिका से कहती है कि ये जो चूड़ियां बनाने वाला जॉब है, व्यवसाय या धंधा है, इसमें कोई फायदा नहीं। सी हैज नॉट एंजॉयड इवन ए वन फुल मील, उसने कभी एक वक्त पूरे भोजन का आनंद नहीं लिया इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसके पूरे जीवन में। दैट्स व्हाट सी हैज रीप्ड, यही सब कुछ था। दैट्स व्हाट मानी यही सब कुछ वाजमानित था। दैट्स व्हाट, यही सब कुछ था। सी हैज रीप्ड, जो उसने पहले
प्राप्त किया है। रिप्ट माने फसल काटना, यही फसल उसने काटी है, यानी यही प्रतिफल प्राप्त हुआ है उसे कि एक वक्त भरपेट भोजन नहीं किया इस धंधे में। हर हस्बैंड उसका पति, एन ओल्ड मैन एक वृद्ध आदमी है उसका पति, विथ ए फ्लोइंग बियर्ड, जो उसके इसके चेहरे पर दाढ़ी लहरा रही है, यानी कि वृद्ध आदमी है। सेज वो कहता है कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मैं चूड़ियों के अतिरिक्त दूसरी किसी बात को, दूसरी किसी चीज को जानता ही नहीं। यानी वो वृद्ध आदमी कह रहा है कि मैं केवल और केवल मैंने यही काम सीखा और यही काम करता आ रहा हूं। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली, मैंने जो कुछ मेरे जीवन में किया है वो इतना ही किया है कि परिवार के लिए एक घर बना दिया है, टू लिव इन, जिसमें कि परिवार रह सके। हियरिंग हिम, उसकी बात को सुनकर, वन वंडर्स, कोई भी सोच सकता है, कोई भी विचार कर सकता है, हर कोई विचार करता है कि इफ ही हैज अचीव्ड, कि उसने वो प्राप्त कर लिया। मैनी हैज फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जिसे प्राप्त करने में बहुत लोग अपने पूरे जीवन में असफल रहे। इसने क्या प्राप्त कर लिया? उसने मकान बना लिया। यानी इससे पहले जो बात आई थी मुकेश के परिवार में, जब लेखिका गई थी तो वहां जो मालिक था, मुखिया था, वो कह रहा था कि दो दो काम कर लिए, पहले टेलरिंग का किया, बाद में चूड़ी बनाने वाले व्यक्ति के रूप में काम किया, फिर भी वो नया घर नहीं बना सका था। लेकिन ये सविता के घर में, जहां लेखिका अब बात कर रही है, यहाँ जो घर का मुखिया है वो कह रहा है कि यही काम किया जीवन भर, केवल और केवल इतना ही कर पाया हूं कि एक नया घर बना दिया जिसमें कि घर के लोग रहते हैं। तो हियरिंग हिम, उसकी बात सुनकर, वन वंडर्स, कोई भी सोचता है कि इफ ही हैज अचीव्ड, उसने वो प्राप्त कर लिया। व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जो प्राप्त करने में बहुत से लोग, फिरोजाबाद में रहने वाले बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में भी वंचित रहे। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर छात थी। द क्राइंग ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, कुछ भी और कार्य न करने के लिए पैसा नहीं है, इस बात का रोना, रोना अर्थात दुख। एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस, इसी बिजनेस को चलाते रहने के सिवाय ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने के इसी व्यवसाय को चलाने चलाते रहने के अतिरिक्त कोई दूसरा काम करे तो उसके लिए पैसा नहीं है, इस बात का रोना। नॉट इवन इनफ टू ईट, पर्याप्त खाने को नहीं है, इस बात का रोना। रिंग्स, सुना जा सकता है, रिंग का शाब्दिक अर्थ होता है घंटी बजना, लेकिन यहां अर्थ होगा सुनाई देना, सुनाई देता है ये रोना, इन एवरी होम, हर घर में सुनाई देता है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यहाँ के युवक तो बुजुर्ग लोगों की बात को दोहराते हैं, प्रतिध्वनि करते हैं। इको माने प्रतिध्वनि करना, लेमेंट माने विलाप, दुख यानी कि परिवर्तन कौन लाता है? परिवर्तन युवा लाते हैं। और लेखिका जब वहां के युवकों से मिलती है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि वहां के युवक अपने बड़े बुजुर्गों से भी ज्यादा निराश हैं। यानी जो बात बड़े बुजुर्ग कहते हैं, पैसा नहीं है, परिस्थिति खराब है, उस वही रोना, वही बात वहां के युवक भी दोहरा देते हैं। अर्थात युवकों के मन में भी बदलाव की कोई के लिए कोई उत्साह नहीं है। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा प्रतीत होता है कि समय के साथ फिरोजाबाद में बहुत कम बदलाव आया। ईयर्स ऑफ माइंड नूमिंग टॉयल, वर्षों से चेतना शून्य कर देने वाला जो ये कार्य है, माइंड नूमिंग सोइल का टॉयल का अर्थ होता है चेतना शून्य कर देने वाला कार्य, परिश्रम, हैव किल्ड ऑल ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, ऐसा लगता है कि इस चेतना शून्य कर देने वाले कार्य ने उन लोगों की सारी सोचने समझने की शक्ति और पहल करने की शक्ति को, क्षमता को खत्म कर दिया। यानी कि ये कार्य ही ऐसा करते हैं कि सोच विचार आगे चलता ही नहीं है इनका। लेखिका ने एक युवकों के समूह से प्रश्न कर लिया कि व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व इन टू ए कोऑपरेटिव, कि तुम अपने आप को सहकारिता समूह में संगठित क्यों नहीं कर लेते, यानी मिलजुल कर एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक युवकों के समूह से पूछती हूं मैं ये बात, तो हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडलमैन, जो बिचौलियों के कुचक्र में फंस गया था, युवकों का ऐसा समूह जो बिचौलियों के कुचक्र में फंस गया था। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, जिन बिचौलियों ने पहले उनके पिताओं को फंसाया, एंड फोर फादर्स, और उससे पहले
उनके बुजुर्गों को फंसाया, यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी फंसाने का काम, बिचौलियों के द्वारा फंसाने का कार्य वहां चलता रहता है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, क्या कहते हैं वो युवक, कि यदि हम संगठित हो गए ना, तो वी आर द वंस, तो हम ही होंगे हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, जिन्हें पुलिस घसीट के ले जाएगी, यानी घसीट के पुलिस ले जाएगी हमें, बीटन पीटा जाएगा हमें, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और घसीट कर जेल में डाल दिया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और आरोप यह लगाया जाएगा कि आप कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हो। तो यानी वहां जो ये बिचौलिए को चक्र रचने वाले लोग हैं, वो इनको फंसाया हुआ रखते हैं कि ये यही काम करते रहे, और उनकी उनको उसी काम में उलझाए रखा जाए ताकि वो अपनी कमाई कर सके। देश से वे कहते हैं कि देर इज नो, यानी वे लोग ऐसा कहते हैं कि यदि हम संगठित होने का प्रयास करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ेगी, घसीटेगी, जेल में डाल देगी, मुकदमा लगा देगी इस बात का कि आपने कोई गैर कानूनी काम किया है, ऐसा वो जवाब देते हैं लेखिका को। लेखिका अब आगे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि देर इज नो लीडर अमंग देम, सीधी सी बात है कि उन लोगों में कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई नहीं है ऐसा हु कुड हेल्प देम जो उनकी मदद कर सके, सी थिंग्स डिफरेंटली, चीजों को अलग तरह से देखने में मदद कर सके, यानी इतना डर, उनका डर निकाल सके, उनका भय दूर कर सके और उनको संगठित कर सके, ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ, यानी कि उन्हें समझा सके ठीक से कि पुलिस हर हालत में पीट नहीं सकती, अगर आपका उद्देश्य सही है और आप सही उद्देश्य के लिए संगठित हो रहे हो तो थोड़ा हौसला रखने पर पुलिस सहयोग करने लग जाती है। देयर फादर्स आर एवरी टायर्ड एज दे आर, उनके पिता जो हैं वो तो पहले से ही उतने उनसे भी ज्यादा थके हुए हैं जितने कि वे वहां के युवक थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली, वे बातें करते रहते हैं, टॉक एंडलेसली, अनंत बातें करते हैं, इन स्पाइरल घुमावदार बातें करते हैं, सीधी सीधी तरह से जवाब नहीं देते। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, और ये जो उनकी बातें हैं निराशाजनक, ये गरीबी की तरफ ले जाती हैं। टू एपैथी, गरीबी से उदासीनता आती है, टू ग्रीड, लालच बढ़ता है, एंड टू इनजस्टिस, और अन्याय के शिकार हो जाते हैं वो सब। अंत में लेखिका निष्कर्ष पर पहुंचती है कि फिरोजाबाद की स्थिति को देखकर ये साफ साफ लगता है कि ये दो तरह के संसार विद्यमान है, एक गरीब लोगों का संसार और एक कुचक्र रचने वाले उन धनी लोगों का संसार, पीड़ित लोगों का संसार और पीड़ा पहुंचाने वाले लोगों का संसार। लिसनिंग टू देम, उनकी बातों को सुनकर आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली, एक तो उन परिवारों का संसार, कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में जकड़ा हुआ, कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी मानी गरीबी के जाल में फंसा हुआ, फंसे हुए परिवारों का संसार, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा, जिस पर बोझ है, बर्डन्ड मानी बोझ है, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जाति की कलंक का बोझ है, यानी कि उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता है, विच दे आर बोर्न, जिस जाति में उनका जन्म हुआ है उस जाति में जन्म लेने का कलंक उनके सिर पर रहता है, उसका बोझ लिए हुए घूमते हैं वो, यानी उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिलता। द अदर, और दूसरा संसार, ए विशियस सर्किल ऑफ साहूकार्स, ये कुचक्र रचने वाले लोगों का संसार, ऑफ साहूकार, उसमें साहूकार है सबसे पहले, साहूकार पहले ऐसे आदमी को कहा जाता था जो ब्याज पर पैसा उधार देता था और गरीब आदमी को उस ब्याज पे ब्याज जोड़ते जोड़ते उसको चक्र में फंसाया रखता था कि वो उसका वो मूलधन कभी चुकता ही नहीं था, ब्याज भी नहीं चुक पाता था। तो साहूकारों का संसार, मिडलमैन, बिचौलियों का संसार, पुलिसमैन, पुलिस वालों का संसार, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों का संसार, द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही यानी कर्मचारी वर्ग का संसार, एंड द पॉलिटिशियंस, और सबसे ऊपर राजनेताओं का संसार। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, इन दोनों संसारों ने मिल करके, टुगेदर मानी साथ मिल करके, दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, इतना भार लाद दिया है ऑन द चाइल्ड, बच्चे पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, कि वो उस बाहर को कभी उतार ही नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर, जागरूक होने से पहले पहले,
अवेयर माने सोचने समझने की शक्ति विकसित हो, थोड़ा जागरूक हो जाए। जागरूक होने से पहले पहले ही एक्सेप्ट इट, वो इस भार को स्वीकार कर लेता है एज नेचुरली एज हिज फादर, ठीक वैसे ही स्वीकार कर लेता है जैसे उसके पिता ने कभी इसको स्वीकार किया था। अर्थात यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो शोषण की प्रक्रिया है ये चलती रहती है। पहले पिता ने स्वीकार किया, अब उसके उसका बेटा स्वीकार कर रहा है, फिर आगे आने वाली पीढ़ी स्वीकार कर लेगी। यानी कि ये कुचक्र जो लोग रचते हैं इसमें गरीब फंसा ही रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ भी अलग करने का मतलब, एनीथिंग एल्स माने कुछ अन्य, वुड मीन मतलब होगा टू डेयर, हिम्मत दिखाना, कुछ भी हटकर करने का मतलब है हिम्मत दिखाना। और एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत दिखाना वहां के बच्चे की के पालन पोषण में शामिल नहीं है। यानी उनका पालन पोषण जो किया जाता है उसमें वो हिम्मत सिखाने दिखाने वाली बात सिखाई नहीं जाती। बच्चे का अगर बिल्कुल खुले वातावरण में और अच्छे विचारों के साथ पालन पोषण होता है तब वो हिम्मत दिखाने की बात करता है। एक दुखी आदमी जिसके चारों तरफ वातावरण ही दुख का बना हुआ है, परेशानियों का बना हुआ है, खतरनाक कार्य का बना हुआ है, तो वहां बच्चा डेयरिंग हिम्मत दिखाने की बात नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी याद कीजिए कि इस कहानी के शुरू में लेखक का कोई एक बालक ऐसा मिला था मुकेश, जो इन सबसे हटकर काम करने का इच्छुक था। तो क्या कहता था लेखिका, वापस उसी बात पे आती है, व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब ये परिवर्तन लाने की बात, इसकी चमक, इसका उत्साह मैंने मुकेश में देखा तो आई एम चेयर्ड, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। क्या कहता है मुकेश, आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। ही रिपीट्स, वो दोहराता है अपनी बात को, ही विल गो टू ए गैरेज, वो गैरेज में जाएगा, गैरेज एक ऐसी जगह जहां मोटर गाड़ी की सर्विस की जाती है, वो गैरेज में जाएगा और लर्न और सीखेगा। तो लेखिका कहती है कि बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस, तुम्हारे घर से तो बहुत दूर है, यानी गैरेज तो तुम्हारे घर से दूर है। जब ऐसी बात लेखिका उसके सामने रखती है तो वो कहता है कि आई विल वॉक, दूर है तो क्या हुआ, मैं चलकर जाऊंगा वहां। ही इंसिस्ट, वो जोर देकर कहता है कि मैं चलकर जाऊंगा वहां। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, लेखिका जानना चाहती है कि उसका उत्साह बरकरार रहने वाला है या फिर ये यूं ही कल्पना कर रहा है। लेखिका ने एक बड़ा प्रश्न उसके सामने रख दिया, कहता है, कहती है कि डू यू ऑल्सो ड्रीम, क्या तुम सोचते हो ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, प्लेन उड़ाने की बात भी सोचते हो क्या, हवाई जहाज उड़ाने की बात भी सोची है क्या। तो ही इज सडनली साइलेंट, तो वो अचानक चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। नो, और शांत होकर थोड़ी देर बाद लेखिका को जवाब देता है कि नहीं, हवाई जहाज चलाने की बात, उड़ाने की बात नहीं सोची। ही सेज, वो कहता है, स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ देखते हुए वो कहता है कि नहीं, ये हवाई जहाज चलाने के लिए मैंने नहीं सोचा। इन हिज स्मॉल मर्मर, उसकी धीरे धीरे बोली जाने वाली जो भाषा थी, जो आवाज थी, देर इज एन एम्ब्रेसमेंट, उसमें थोड़ी सी लज्जा का भाव तो था। यानी कि वो मना कर रहा था कि मैं हवाई जहाज नहीं चलाऊंगा, तो मना करने में उसको लज्जा भाव दिख रहा था उसके चेहरे पर। दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, लेकिन वो लज्जा भाव अभी तक पश्चाताप में नहीं बदला था। हिज कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कारों का सपना देखकर ही संतुष्ट है। ही इज कॉन्टेंट मनी, वो संतुष्ट है, टू ड्रीम मनी विचार करके, कल्पना करके, ऑफ कार्स, कार चलाने के बारे में सोच कर ही संतुष्ट है वो। इसका कारण ये भी है ना, दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन, जिन कारों को वो आते जाते देखता है, द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, अपने कस्बे की गलियों में, टू एयरप्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम हवाई जहाज गुजरते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन आंसर करेंगे।